हेलो फ्रेंड्स, सो हियर वी आर विथ अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट हियर इज एट ओ एंड ये हमारा इंटरफेस है। दिस लाइन हियर इज आर इंटरफेस। इस इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हमको यहाँ पे हमारी आई लोकेटेड है। दिस इज आर पोजिशन ऑफ द आई। और यहाँ से ऊपर से हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो हमको निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा। ऑल राइट, सो लेट अस सी कि इमेज कैसे बन रही है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, दो रेज लेंगे। एक रे जो सीधा दिख रही है आपको, दिस वन इज़ इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 0 degrees, तो वो अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी। द सेकेंड रे इज़ इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज आई और ये रिफ्रैक्ट होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। ठीक है, और जब इन दोनों रेज को ये आई रिसीव करेगा, तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेज हमारी आई से आ रही है। दिस पॉइंट, दीज टू रेज आर कमिंग फ्रॉम द पॉइंट आई। सो आई इज द image of this object as seen by this our eye. ये आँख को ऐसा दिखेगा कि the rays are coming from these two rays, this one and this one are coming from the point I. ठीक है, so this is our position of the image. All right, so now यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, ये interface से जो डिस्टेंस है आई का, दिस डिस्टेंस इज आर अपेरेंट डेप्थ, और इंटरफेस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, दिस इज आर रियल डेप्थ। ऑल राइट, सो हमको ये रिलेशन देखना है कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है। ठीक है, सो हियर यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू μ2/μ1। ठीक है, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द आई इज देयर। ठीक है, ऑल राइट, चलिए तो अभी इस फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करेंगे हम लोग, डेरिवेशन वी विल स्किप एज ऑफ नाउ। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इसको, इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है। ठीक, ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम ऑफ आई। ये ध्यान रखना कि रियल वाले के साथ हमेशा जो म्यू जाएगा वो म्यू जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, म्यू ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, और अपेरेंट डेप्थ के साथ जो जाएगा वो जाएगा म्यू ऑफ मीडियम इन विच द आई इज देयर। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, सो दिस इज अ सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दिस। ठीक है, चलिए सो लेट अस मूव ऑन। नाउ ये जो है ये हमारा सिर्फ नियर नॉर्मल इंसिडेंसेस के लिए वैलिड है। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा था, दिस एंगल आई शुड बी स्मॉल। स्मॉल का मतलब 5 degree, 10 degree, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर बड़े एंगल्स होंगे तो दिस फॉर्मूला वुड नॉट बी वैलिड। ठीक, ऑल राइट, चलिए मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट ओ है और जो इमेज आई दिख रही है वो दोनों सेम जगह पे नहीं है, सो देयर इज अ शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द इमेज। Now that shift, this is OI, this shift is given by real depth minus
अपेरेंट डेप्थ, ये जो शिफ्ट है ये हमारा, ये फुल डेप्थ दिस माइनस दिस, ठीक है, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, ठीक, ऑल राइट, कोई परेशानी इसमें। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो शिफ्ट इज रियल माइनस अपेरेंट, अपेरेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे, अपेरेंट यहाँ से आप देखोगे इस फॉर्मूले से, तो जो अपेरेंट आएगा, अपेरेंट विल बी रियल इनटू म्यू वन बाय म्यू टू, इस वाले फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे अभी यहाँ पे। सो अपेरेंट हियर इज रियल इनटू म्यू वन बाय म्यू टू, दिस विल बी यूज्ड हियर, ये वाला फॉर्मूला हमने डाला यहाँ पे, रियल इनटू म्यू वन बाय म्यू टू, और फिर यहाँ पे हमने शिफ्ट निकाला, शिफ्ट इज रियल कॉमन लिया वन माइनस म्यू वन बाय म्यू टू। आप लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ठीक है, ऑल राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट सिनेरियो। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीपल स्लैब्स हैं, ठीक है, ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज़ आर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर एक टी वन थिकनेस का एक हमारे पास स्लैब है, जिस एक मीडियम का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, और उसके जस्ट ऊपर हमारे पास एक टी टू थिकनेस का एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, ठीक है, और आर आई इज प्लेस्ड इन द मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू थ्री। अब इस केस में क्या करना है हमको, अगर शिफ्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल शिफ्ट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो हियर द ओवरऑल शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, वही पिछला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टी वन इंटू वन माइनस म्यू थ्री बाई म्यू वन प्लस टी टू इंटू वन माइनस म्यू थ्री बाई म्यू टू। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, यहाँ पे देखते हैं कि म्यू वन के जस्ट ऊपर हमारे पास म्यू टू है, तो शिफ्ट निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं, टी वन इंटू वन माइनस म्यू टू बाई म्यू वन, विच इज़ रॉन्ग। हमको देखना है कि आई किस मीडियम में रखा हुआ है, आई जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू थ्री। सो वाइल यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ शिफ्ट विल यूज टी वन इंटू वन माइनस म्यू थ्री बाई म्यू वन एंड नॉट टी वन इंटू वन माइनस म्यू टू बाई म्यू वन, करेक्ट। सो क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं, जो हम जिस मीडियम से देख रहे हैं, आई हमारा जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो लेट्स सॉल्व वन सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। सो इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम द बुक HCV, और ये क्या कह रहा है कि के ट्रांसपेरेंट स्लैब्स जो हैं आर अरेंज्ड वन ओवर दी अदर, ठीक है, के ट्रांसपेरेंट स्लैब्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक, और इन सब की रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस जो हैं इन सारी स्लैब्स की वो अलग अलग है, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री ऐसा करते करते म्यू के तक, एंड द थिकनेसेस आर टी वन टी टू टी थ्री ऐसा करते करते टी के तक, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू दिस कॉम्बिनेशन विद नियरली परपेंडिकुलर लाइट नियर नॉर्मल इंसिडेंस, तो हम लोग वो शिफ्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सिस्टम विच विल अलाउ द इमेज टू बी फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो इन सब स्लैब्स की जगह हम एक सिंगल स्लैब डाल देते हैं, ठीक है, जिसका थिकनेस है टी वन
प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस एन सो ऑन, ऐसा करते करते टी एन तक, ठीक है, टी के तक, सॉरी, ठीक है। तो एक ऐसा, इन सब की जगह एक सिंगल स्लैब डालें जिसका थिकनेस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री टिल टी के है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ठीक है, बराबर। ऑल राइट, सो लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। चलिए, तो हमारे पास अभी एक काम करते हैं, मतलब ऐसा स्लैब होना चाहिए जिसका, जिसकी वजह से इमेज अभी जो बन रही है वो स्लैब लगाने के बाद भी इमेज वहीं पे बननी चाहिए, ठीक है। तो हम काम करते हैं, पहले पहले फाइंड करते हैं कि इन सारे स्लैब्स को लगा के इमेज कहाँ बन रही है, मतलब इमेज में शिफ्ट कितना हो रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है ये सब, सारे सारी स्लैब्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो टोटल शिफ्ट वही पुराने वाले फॉर्मूले से लगा देंगे। ध्यान रहे, हम जिस मीडियम से देख रहे हैं वो एयर है, ठीक है, आई इज़ इन दी एयर। तो जब हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टी वन इंटू वन माइनस म्यू जो इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाला जो म्यू होगा वो म्यू ऑफ एयर होगा, ठीक है। सो टी वन इंटू वन माइनस वन बाई म्यू वन। सिमिलरली जो दूसरी स्लैब की वजह से जो शिफ्ट होगी वो होगी टी टू इंटू वन माइनस वन बाई म्यू टू। ऐसा करते 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 हम लोग पहुँच जाएंगे टी के इंटू वन माइनस वन बाई म्यू के तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये इन सब में से टी वन टी टू टी थ्री वाले टर्म्स निकाल लेते हैं। जो पहला वाला टर्म है, हर हर ब्रैकेट को ओपन करके जो पहला वाला टर्म है वो निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते करते टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी के आ गया, ठीक है। फिर जो दूसरा वाला टर्म है, दूसरे वाले टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो ये आ जाएगा टी वन बाई माइनस, कॉमन आ जाएगा टी वन बाई म्यू वन, टी टू बाई म्यू टू, ऐसा करते करते टी के बाई म्यू के तक आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पहला वाला जो टर्म है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी के, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन वाले फॉर्म में, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सीक्वेंसेस इन सीरीज में, टी आई आई इज इक्वल टू वन टू के समेशन। सिमिलरली जो दूसरा वाला जो टर्म है ये वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समेशन ऑफ टी आई बाई म्यू आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू वन टू के, ठीक। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, नीचे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि क्या होगा, ठीक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब हमको इसको एक सिंगल स्लैब से रिप्लेस करना है, और वो सिंगल स्लैब का थिकनेस जो होना चाहिए वो होना चाहिए टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी के, मतलब बेसिकली उस स्लैब का थिकनेस ऐसा होना चाहिए, समेशन ऑफ टी आई, ठीक। अब मान लेते हैं कि उस स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, तो उस स्लैब की वजह से जो शिफ्ट होगा वो होगा इसका पूरा थिकनेस, विच इज़ समेशन ऑफ टी आई इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, ठीक है। ओके, तो ये हमारा ये स्लैब की वजह से शिफ्ट हो गया। अब हमको बोला है कि इमेज, क्वेश्चन में कहा गया है कि इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस, मतलब कि उन सारे स्लैब्स की वजह से जो हमारा शिफ्ट था और ये जो सिंगल स्लैब की वजह से जो शिफ्ट होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो सो हियर इट सेज दैट शिफ्ट शिफ्ट शुड बी इक्वल। ओके, नाउ दिस मीन्स, अब हमने जो पहले वाले इक्वेशन से जो शिफ्ट निकाला था ये वाला, जो शिफ्ट निकाला था दिस वन, दिस शुड बी इक्वेटेड टू द शिफ्ट कॉज ड्यू टू द सिंगल स्लैब विच इज दिस। इन दोनों को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया, ठीक है। ऑल राइट, ओके, सो अब दोनों को इक्वेट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आ गया वही समेशन ऑफ टी आई माना समेशन ऑफ टी आई बाई म्यू आई। आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं वो क्या था, है ना, फिर और ये वाला चीज़ यहाँ आ गया है। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो
वन माइनस वन बाय म्यू है, ये इसको राइट साइड में ही रहने देते हैं, और ये जो हमारा जो समेशन ऑफ दिस टी आई है इसको नीचे ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। सो हियर इसको जब हम नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा ये समेशन ऑफ दिस टी आई माइनस टी आई बाई म्यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ टी आई, ठीक है। अब हमारे पास, अब जब इसको आप ओपन करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी वन, समेशन ऑफ टी आई बाई समेशन ऑफ टी आई, दिस थिंग बिकम्स इक्वल टू वन, ये यहाँ पे दिखाया हमने, ठीक है, ओके। और जो दूसरा वाला जो टर्म है समेशन ऑफ टी आई बाई म्यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ टी आई, इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा वाला टर्म आ गया हमारे पास, ठीक है, ओके। दिस टर्म गोज हियर, ठीक है, ओके। अब यानी कि हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, वन माइनस वन बाई म्यू अब इज इक्वल टू वन माइनस दिस समेशन ऑफ टी आई बाई म्यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ टी आई। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से वन काट देंगे तो हमारे पास आएगा वन बाई म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी आई बाई म्यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ टी आई, ठीक है। सो म्यू बिकम्स इक्वल टू समेशन ऑफ टी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ टी आई बाई म्यू आई। सो दिस इज़ आर आंसर। आप ये गलती मत कर देना यहाँ से, कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, यहाँ से टी आई और टी आई काट देंगे और बोलेंगे कि दिस इज़ जस्ट द समेशन ऑफ वन बाई म्यू आई, दिस इज़ रॉन्ग, यू कैन आस्क योर मैथ्स टीचर अबाउट दिस, सो बिकॉज वी कांट डू दिस, ऑल राइट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।